अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आइए डालते हैं बहुत ही ख़ास अहम एक मिशन, एक पैगाम पर नज़र। नाज़रीन, जिस रब ने हम इंसानों को पैदा किया, उसी रब ने कमोबेश 18,000 मखलूक़ात पैदा की है, और हम सब का खालिक मालिक रब्बुल आलमीन हम इंसानों को हुक्म देता है कि हम उसकी तमाम मखलूक के साथ रहम का मामला करें। और कुरान में उस रब ने यह भी कहा कि मैंने किसी चीज़ को फजूल, बेकार, वेस्ट पैदा नहीं किया। हाँ, हम इंसान सबसे आला और अशरफ हैं। अल्लाह ने हमको अशरफुल मखलूकात बनाकर अक्ले सलीम अता फरमाया, हमको बादशाह बनाया, और ये हज़रत इंसान जंगल के दरिंदों को भी काबू में कर लेता है। लेकिन अफसोस कि ये काबू में नहीं रहता। खैर मेरे भाइयों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इंसानों पर तो हम रहम का मामला खिलाकर पिलाकर, नंगे को कपड़े पहनाकर, परेशान हाल को मदद करके, बीमार को दवाएं देकर, इंसान की तो हम मदद कर देते हैं। लेकिन चरिंद परिंद जो हमारे घरों, खिड़कियों, गलियों और मोहल्लों में मंडलाते रहते हैं, इनका हम ख्याल नहीं रख पाते। यकीनन खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर ज़रिया और सबब हम बनकर नेकियां, अजर व सवाब कमा सकते हैं। अपनी खिड़कियों, छतों पर कुछ दाने, चावल, रात की बची खिचड़ी ही सही, और टब में पानी रखकर अल्लाह की इस मखलूक के साथ हमदर्दी का मामला कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में परिंदे प्यास के मारे फिरते हैं, हम थोड़ा सा इंतज़ाम कर सकते हैं। ये भी हमारा दीन हमें तालीम देता है। आज ये लिखने पर मैं इसलिए मजबूर हुआ कि हो सकता है एक शख्स भी इस पर अमल कर लें तो मेरे लिए भी आखिरत में अजर व सवाब का नतीजा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कई सालों से मैं, मेरी फैमिली पाबंदी के साथ परिंदों के लिए छत पर कुछ दाने, चावल और पानी का इंतज़ाम करते हैं। जब हम लोग हज को भी गए तो 40 दिन एक शख्स को जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अभी चंद दिनों पहले अचानक हम मैसूर गए और भूल गए। जब आए तो दाने डालने के लिए ऊपर टेरेस पर, छत पर पहुंचे, परिंदों का झुंड एक अजीब कैफियत के साथ जमा हो गया। इसलिए आज मैं लिखने पर मजबूर हो गया, और ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूं, बता रहा हूं कि आप लोग भी इस पर अमल करें। अल्लाह ने ये फरमाया है, फमन यअमल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरा, कि जर्रा बराबर खैर का, अच्छाई का, नेकी का, भलाई का काम करेगा, उसके अजर को, उसके सवाब को तू अपनी आंखों से देखेगा। हम किसी को खिलाने का जरिया बनेंगे, अल्लाह उसकी दुआ से हमारे बेहतर रिस्क का इंतजाम करेगा। और जाहिर में ये परिंदे बेजबान नजर आते हैं, लेकिन इनको भी जबान है, ये भी दुआएं देते हैं जो हम नहीं समझ पाते। दुआएं लो, दुनिया में भी इसका अच्छा रिजल्ट और आखिरत में भी फायदा होगा। आइंदा कल मेरी ये उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा इंशाअल्लाह वो अपने टेरेस, अपनी छत, अपनी गैलरी, अपनी खिड़की, जहां पर भी वो परिंदों के लिए पानी और कुछ दानों का इंतजाम करता है, जरूर करेगा। और किस किस ने हमारी इस वीडियो को देखकर अमल शुरू कर दिया, ये अच्छा काम शुरू कर दिया, वो जरूर कमेंट में हमें अपना नाम, अपने गाँव का नाम और मोबाइल नंबर लिख कर रवाना करें। अल्लाह हाफिज़।